सो हे व्हाट्सअप गैस। तो गैस कैसे आप सब लोग, ऐसा करते आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। तो गैस मेरा नाम है अंजलि और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंजलि एडिट में। तो गैस मैं आज आप सभी के लिए स्नैपसीड ऐप की मदद से कुछ इस तरीके का डोरेमोन फोटो एडिटिंग न्यू कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ। तो गैस आपको भी कुछ इस तरीके का डोरेमोन फोटो एडिटिंग करना है तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और इस फोटो एडिटिंग में जो भी मटेरियल का यूज़ होगा ना उसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गैस वीडियो पसंद है तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, और हाँ गैस बाजू में बेल आइकन है उसे भी दबा देना ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत ही उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो गैस बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गैस सबसे पहले स्नैपसीड ऐप को ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ प्लस के आइकॉन पर क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ से जो फोटो एडिट करना है उसे यहाँ पे मॉडल को ऐड करेंगे। मॉडल ऐड हो जाने के बाद यहाँ पे हम पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे और फिर यहाँ डबल एक्सपोजर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ ऐड फोटो पे, और फिर यहाँ से बैकग्राउंड को ऐड करेंगे, और बैकग्राउंड ऐड हो जाने के बाद इसकी ओपेसिटी को हम बढ़ा देंगे और फिर यहाँ पे डन कर देंगे। तो वैसे इतना काम हो जाने के बाद यहाँ पे हम तीर के आइकॉन पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ व्यू एडिट पे, और फिर डबल एक्सपोजर पे, उसके बाद यहाँ एडिट पे, और फिर इसकी ओपेसिटी को हम 100% रखेंगे, और यहाँ से हम बैकग्राउंड को इरेज करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड इरेज हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे डन कर देंगे और यहाँ से बैक कर देंगे। तो गाइस इतना काम हो जाने के बाद यहाँ फिर से हम पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ डबल एक्सपोजर पे जाएंगे, और फिर यहाँ एड फोटो पे, उसके बाद यहाँ नीचे की तरफ जाएंगे, फिर इस कलर पैनल बैकग्राउंड को हम ऐड करेंगे, और उसको यहाँ पे हम मॉडल के कपड़ों पे अच्छी तरीके से सेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ बीच पे क्लिक करेंगे और फिर इसको हम सिलेक्ट कर देंगे, और फिर इसको यहाँ पे डन कर देंगे। तो गाइस इतना काम हो जाने के बाद यहाँ पे हम तीर के आइकन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ व्यू एडिट पे, और फिर डबल एक्सपोजर पे, उसके बाद यहाँ एडिट पे, और यहाँ पे उसकी ओपेसिटी को 100% रखेंगे, फोटो को जूम करेंगे, और हमारे मॉडल के कपड़ों पे हम पेंट करेंगे। तो गाइस मैं फटाफट से मॉडल के कपड़ों पे पेंट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आप भी कुछ इस तरीके से ही करना है। तो गाइस हमारे मॉडल के कपड़ों पे पेंट हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे मॉडल के कपड़ों में पेंट हो चुका है, उसके बाद यहाँ पर डन कर देंगे और यहाँ से बैक कर देंगे। तो गाइस इतना काम हो जाने के बाद या फिर से हम पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ ऊपर की तरफ जाएंगे, और फिर यहाँ डिटेल्स वाले टूल पे क्लिक करेंगे, और फिर उसकी सेटिंग को हम यहाँ पर अच्छे तरीके से रख देंगे, और फिर यहाँ पर डन कर देंगे। तो गाइस इतना काम हो जाने के बाद यहाँ पे हम सेव के आइकन पे क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ से हम फोटो को शेयर करेंगे। तो गाइस यहाँ पे हमारा स्नैपसीड ऐप का काम खत्म हो चुका है। तो फिर यहाँ से हम फोटो को शेयर करेंगे पिक्सा टैप के अंदर। तो गाइस हमारा पिक्सा टैप के अंदर फोटो ओपन हो चुका है, उसके बाद यहाँ एड फोटो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हेयर वाले पीएनजी है उसे हम ऐड करेंगे, और फिर यहाँ से हमारे मॉडल के हेयर पे अच्छी तरीके से सेट कर देंगे। तो गाइस मैं फटाफट से अच्छी तरीके से सेट कर लेती हूँ, उसके बाद इरेस वाले टूल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ से उसे हम इरेस करेंगे, और फिर यहाँ पे डन कर देंगे। काम हो जाने के बाद यहाँ पे हम नीचे की तरफ जाएंगे, और फिर इसकी ब्राइटनेस को हम यहाँ पे 38% तक देंगे, और फिर यहाँ पे डन कर देंगे। तो फ्रेंड्स इतना काम हो जाने के बाद यहाँ फिर से हम एड फोटो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम
डोरेमोन टेक्स्ट पीएनजी को ऐड करेंगे और फिर यहाँ पे उसको ऊपर की तरफ अच्छी तरीके से सेट कर देंगे और फिर यहाँ पे डन कर देंगे। तो फ्रेंड्स इतना काम हो जाने के बाद यहाँ नीचे की तरफ से आएंगे और फिर यहाँ पे हम ड्रॉ टूल में क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ 3 डॉट पे और फिर यहाँ से फोटो को सेव करेंगे। तो गाइस यहाँ पे हमारा पिक्सार्टैप का काम खत्म हो चुका है। तो फिर यहाँ से हम फोटो को शेयर करेंगे लाइटरूम ऐप के अंदर। तो फ्रेंड्स हमारा फोटो लाइटरूम ऐप के अंदर ओपन हो चुका है, उसके बाद यहाँ ऑल फोटो पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से जो हमारा प्रीसेट है उसे हम ऐड करेंगे। हमारा प्रीसेट ऐड हो जाने के बाद यहाँ पे हम 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ नीचे की तरफ जाएंगे और फिर यहाँ पे उसको हम कॉपी सेटिंग कर देंगे। तो गाइस अभी हमने पिक्सार्टैप के अंदर फोटो एडिट किया था ना, उसे हम ऐड करेंगे। वो ऐड हो जाने के बाद फिर से हम 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे उसको बेस्ट सेटिंग कर देंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा फोटो एकदम परफेक्ट बनके तैयार हो चुका है। तब देख सकते हैं बिफोर आफ्टर, उसके बाद यहाँ पे हम शेयर के आइकन पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से हम फोटो को सेव करेंगे। तो दोस्तों आप भी कुछ इस तरीके का फोटो एडिट करते हो ना तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर टैग करना, मेरे इंस्टाग्राम की आईडी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमें सपोर्ट करें।